हम चाहते हैं कि आपके समातों की कैफियत के जायके को तब्दील किया जाए कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती, और वो फसानाए मोहब्बत बाजुबान दी गरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था कि मस्तूरात ख्वातीन अपनी अपनी पर्दादारी और खानादारी में महफूज और महदूद रहा करती थी, लेकिन फिर एक वक्त आया और देवबंद के अदबी प्रोग्राम में मजाज लखनवी ने कहा था कि किसी के गम को अपना गम बना लेती तो अच्छा था, किसी के गम को अपना गम बना लेती तो अच्छा था, कलम हाथों में गर तू भी उठा लेती तो अच्छा था, और तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इन अशार के बाद ख्वातीन की सोच में तब्दीलियां आईं और अंदाज ज़िंदगी में बदलाव आया, और आज हालात न्यू दरपेश हैं कि चाहे अदबी सरगर्मियाँ हों या मैदान सियासत हो, मर्दों के साथ साथ ख्वातीन भी कदम से कदम मिलाकर कौमी खिदमात अंजाम दे रही हैं। एक ऐसी ही शायरा, एक ऐसी ही फनकारा जो मेरठ से तशरीफ़ लाई हैं, मोहतरमा दानिश गज़ल साहिबा से हम इल्तमास करते हैं कि ना पूछ प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं, ना पूछ प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं, लहू में डूब के गुंचे गुलाब होते हैं, और जो हो सके इन्हें पाकीजगी से पढ़िएगा, हसीन चेहरे खुदा की किताब होते हैं। ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए हमारी मेहमान शायरा मोहतरमा दानिश गज़ल साहिबा जो मेरठ से तशरीफ़ लाई हैं। सदरे मोहतरम की इजाज़त चाहते हैं। सहने गुलशन में ये तहरीक चलाना होगा, क्या कहने, सहने गुलशन में ये तहरीक चलाना होगा, अपने अशआर को पैगाम बनाना होगा, सहने गुलशन में ये तहरीक चलाना होगा, अपने अशआर को पैगाम बनाना होगा, हमने रखी है इसको जहरीली हवाओं से बचाना होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। क्या इसको जहरीली हवाओं से बचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और चार मिश्रे और देखिएगा, हाजिर करती हूँ। कितना मुश्किल भी जो आसान सफर लगता है, ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है, कितना मुश्किल भी जो आसान सफ़र लगता है, ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है, होफे के साए में अगर तुमको भी डर लगता है, छोड़ दो साथ अगर तुमको भी डर लगता है, कितना मुश्किल भी जो आसान सफर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिएगा, एक गजल का एक मतला, दो तीन शेर हाजिर करती हूँ, दुआएं चाहती हूँ। देखिएगा, बचेने को बचेने को बच जाओगे दुनिया के हर इल्ज़ाम से, दुनिया के हर इल्ज़ाम से, बचने को बच जाओगे दुनिया के हर इल्ज़ाम
बच न पाओगे मगर तुम गर्दिशे अय्याम से, गर्दिशे अय्याम से। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखेगा जो मुझे भी बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबको पसंद आए। हाजिर करती हूँ, देखेगा। आज वो मेरी वफा का इम्तिहान लेने लगे, इम्तिहान लेने लगे। आज वो मेरी वफा का इम्तिहान लेने लगे, है यहाँ पहचान जिनकी बेवफा के नाम से, बेवफा के नाम से। है यहाँ पहचान जिनकी बेवफा के नाम से, बेवफा के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हो शुक्रिया, बहुत बहुत। और ये विषय देखेगा जी ना। शौक से तुम आजमाओ हम पे अपनी ताकतें, हम पे अपनी ताकतें। शौक से तुम आजमाओ हम पे अपनी ताकतें, हम तो जाने ही गए हैं हौसलों के नाम से, हौसलों के नाम से। हम तो जाने ही गए हैं हौसलों के नाम से, हौसलों के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर मैं अपने मोहतरम अश्क साहब की खिदमत पेश करती हूँ, दुआएं चाहती हूँ उनसे भी। आहुजारी अश्क वारी खारजारों के मजे, खारजारों के मजे। आहुजारी अश्क वारी खारजारों के मजे, लज्जते गम कोई पूछे इस दिले नाकाम से, इस दिले नाकाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मक्ता पेश करती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खेल समझे है वो दानिश प्यार के आगाज को, प्यार के आगाज को। खेल समझे है वो दानिश प्यार के आगाज को, वो अभी वाकिफ नहीं है प्यार के अंजाम से, प्यार के अंजाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। और देखिएगा एक गजल का एक बतला, दो तीन शेर हाजिर करती हूँ, गा चाहती हूँ। क्या कहूँ इश्क में क्या से क्या हो गया, क्या कहूँ इश्क में क्या से क्या हो गया, क्या कहूँ इश्क में क्या से क्या हो गया। टूट कर दिल मेरा आईना हो गया, टूट कर दिल मेरा आईना हो गया। और ये भी शेर देखेगा। मुद्दते हो गई खत न कोई खबर, मुद्दते हो गई खत न कोई खबर, वो जुदा क्या हुआ लापता हो गया, वो जुदा
क्या हुआ, लापता हो गया। शुक्रिया।